काली और गोरी बहू का बेटा बेटी। आज मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। जब देखो कुछ ना कुछ उल्टा काम करते ही रहते हो। अरे इस घर में तुम्हें और कुछ दिखाई नहीं देता? चलो चलो मेरे साथ चलो, आज तुम्हारी खैर नहीं। रेशमा राजू राधा का हाथ पकड़कर उन्हें बाहर दोपहर की धूप में ले आती है और एक पेड़ से बांध देती है। काली माँ की काली औलाद, तुम इस धूप में और काले हो जाओगे तो तुम्हें अकल आएगी कि घर के काम बिगाड़ने पर क्या होता है। दादी माँ हमें यहाँ से खोल दो, हमें अंदर जाना है, यहाँ बहुत गर्मी है। इतनी गर्मी में आपने हमें क्यों बांधा है यहाँ? हमने कुछ नहीं किया दादी माँ, वो तो एक हादसा था, हमने वो कांच का ग्लास और कांच की फोटो नहीं तोड़ी। खोल दो हमारे यहाँ दादी माँ, हमने कुछ भी नहीं किया दादी माँ, हमारे साथ ऐसा मत करो। माँ माँ कहाँ हो आप, हमें बचाओ माँ। अपनी बेटी और अपने बेटे के रोने की आवाज सुनते ही कायरा कमरे से बाहर आती है और अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी और अपने बेटे को पेड़ से बंधा हुआ देख हैरान रह जाती है। अरे माँ जी आपने ऐसा क्यों किया, छोड़ दो मेरे बच्चों को, आप उनके ऊपर इतने जुल्म क्यों कर रही हो? तेरी इन दोनों काली औलादों ने हमारा जीना हराम कर रखा है, आज ही इन्होंने इतना महंगा गिलास और फोटो फ्रेम तोड़ा है। अरे क्या तेरा बाप लाकर रखता है इस घर में पैसा? अपनी सास की ये बात सुनकर और अपने बच्चों को रोता हुआ देखकर कायरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रेशमा से पूछती है, माँ जी आपने सिर्फ एक कांच टूटने की वजह से मेरे दोनों बच्चों को धूप में पेड़ से बांध दिया है, आपको इनके ऊपर जरा भी दया नहीं आई? अगर तुझे ज्यादा ही तरस आ रहा है अपने बच्चों पर तो एक काम कर, जितने का मेरा नुकसान हुआ है उतने मुझे पैसे दे देना। ऐसा कहकर रेशमा राजू राधा को खोल कर चली जाती है, जिसके बाद कायरा फौरन ही अपने दोनों बच्चों को गले से लगा लेती है। रोना बंद करो बच्चों, चलो अंदर चलो, मैं तुम्हें खाना खिला देती हूँ। कायरा अपने दोनों बच्चों को लेकर घर में आ जाती है। तभी स्कूल की बड़ी सी वैन के अंदर से परिणीता के दोनों बच्चे निकलकर बाहर आते हैं और आते ही कायरा को गले से लगा लेते हैं। आज आपने हमारे लिए क्या बनाया है चाची जी? मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। हाँ क्यों नहीं, चलो बच्चों मैं तुम चारों के लिए ही खाना बना देती हूँ। कायरा चारों बच्चों के लिए खाना बनाती है और अपने हाथों से उन चारों को खाना खिलाने लगती है। तभी परिणीता उसे खाना खिलाते हुए देख लेती है, जिसके चलते परिणीता फौरन कायरा के पास पहुंचती है और उसका हाथ जोर से पकड़ लेती है। अरे ओ कल्लो माई, तेरी इतनी हिम्मत कि तू अपने इन काले हाथों से मेरे गोरे गोरे बच्चों को खाना खिलाएगी? अरे तेरा परछावा मेरे बच्चों पर पड़ गया तो वो भी काले हो जाएंगे। ये तुम कैसी बातें कर रही हो जेठानी जी? एक ही बात मैंने तुझे कितनी बार समझाई है, मेरे बच्चे तेरे यहाँ का गरीब खाना नहीं खाएंगे। सोफिया सोफिया कहाँ हो तुम, जल्दी से यहाँ पर आओ। जी मैडम। सोफिया जाओ मेरे दोनों बच्चों को लेकर आओ और इन्हें अच्छा सा खाना खिलाओ जो इनकी हेल्थ के लिए अच्छा है। नहीं माँ हमें वो खाना नहीं खाना, हमें तो चाची के हाथ का ही खाना खाना है। माँ चाची हमारे लिए जो भी बनाती है बहुत प्यार से बनाती है और हम उसी से पेट भरकर खाना खा लेते हैं, लेकिन आपका अमीरों वाला खाना मैं जरा भी पसंद नहीं आता। ये सुनते ही परिणीता को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो एक जोरदार तमाचा सुप्रिया के मुंह पर मारती है। इस कल्लो और इस कल्लो के काले बच्चों के साथ रहकर तेरी बहुत जुबान निकल रही है, अगर दोबारा ऐसी गलती की तो तेरी माँ से बुरा कोई नहीं होगा। परिणीता के दोनों बच्चे रोते हुए सोफिया के साथ चले जाते हैं, जहाँ सोफिया उन्हें उबला हुआ पास्ता और ब्राउन ब्रेड पर जैम लगा कर देती है। चलो बच्चों अपनी डाइट ले लो, आज तुम्हारी डाइट में यही है। अपने आगे खाना देखकर सुप्रिया और गुड्डू दोनों ही रो पड़ते हैं, लेकिन उनमें से एक भी खाने का जरा भी निवाला नहीं लेता, जिसके बाद सोफिया उन्हें सुलाने के लिए कमरे में ले जाती है। ऐसे ही परिणीता अपने बच्चों के ऊपर ध्यान कम देते हुए अपनी सहेलियों के साथ किटी पार्टी में ज्यादा बिजी रहती है। वहीं काली बहू गरीब होने के बाद भी अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा प्यार देती है। एक दिन कायरा अपनी बेटी राधा की चुटिया बना रही होती है। ये लो राधा तुम्हारी चुटिया तो रेडी हो गई, बहुत प्यारी लग रही हो इसमें तुम। माँ बहुत अच्छी हो, आज मैंने आपके लिए एक बहुत अच्छी पोएम लिखी है, क्या मैं आपको पढ़कर सुनाऊं? अरे वाह तुमने तो बहुत अच्छा किया, चलो जल्दी अपनी पोएम पढ़कर सुनाओ। दुनिया में अनमोल है माँ, खाना हमें खिलाती है माँ, लोरी गाकर सुनाती है माँ, प्यारी जग से न्यारी माँ, खुशियाँ देती सारी माँ। राधा के मुंह से अपने लिए पोयम सुनकर कायरा को बहुत अच्छा लगता है, उसकी आंखें भर आती हैं। वो अपनी बेटी राधा को गले से लगा लेती है। वहीं परिणीता राधा की पोयम सुनकर अपनी बेटी सुप्रिया के पास जाती है
और गुस्से से कहती है, अरे राधा ने अपनी माँ के लिए पोएम लिखी है और तुमने मेरे लिए कुछ भी नहीं लिखा। चाची राधा को बहुत प्यार करती है माँ, लेकिन आपने क्या कभी हमें प्यार किया? अब तो हमेशा अपने फोन में अपनी किटी पार्टी में ही बिजी रहती हो, कभी आपने हमारे ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, इसलिए मेरे पास आपके लिए कोई भी शब्द नहीं है। मैंने तो मेरी चाची के लिए गाना लिखा है और आज मैं अपने कॉम्पिटिशन में वही गाना गुड्डू के साथ गाकर सबको सुनाऊंगी। तभी वहाँ गुड्डू आ जाता है। चलो दीदी, स्कूल का टाइम हो गया, हमें कॉम्पिटिशन के लिए देरी हो रही है। हाँ गुड्डू, चलो आज तो वैसे भी हमारे लिए बहुत खास दिन है। परिणीता के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे, तो वहीं बेचारी कायरा के बच्चे गरीब सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। लेकिन सुप्रिया ने अपनी माँ की जगह इनविटेशन कार्ड पर अपनी चाची का नाम लिखवाया था, जिसके चलते कायरा स्कूल का फंक्शन अटेंड करने के लिए सुप्रिया और गुड्डू के स्कूल में पहुँच जाती है, जहाँ पर सुप्रिया और गुड्डू दोनों भाई बहन मिलकर कायरा के लिए एक प्यारा सा गाना गाते हैं। माँ ओ माँ, माँ ओ माँ, पास बुलाती है कितना रुलाती है, याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है आती है, ओ माँ ओ माँ, ओ माँ ओ माँ। सुप्रिया और गुड्डू का ये गाना ना ही केवल कायरा सुनती है, बल्कि वहाँ मौजूद परिणीता और उसकी सास रेशमा भी सुनती हैं, जिसके चलते रेशमा परिणीता से कहती है, मेरे इस काले और गोरे रंग में भेदभाव करने की वजह से तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे से बहुत दूर हो गए। मुझे माफ कर दो बहू, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। नहीं माँ जी, गलती आपकी नहीं, गलती तो मेरी ही है। मैं हमेशा अपने फोन में और सहेलियों के साथ किटी पार्टी में ही उलझी रह गई। मैंने कभी भी अपने दोनों बच्चों के बारे में सोचा ही नहीं। परिणीता ऐसा कहकर रोने लगती है। तभी स्टेज पर कायरा पहुंच जाती है, गुड्डू और सुप्रिया को गले लगाकर प्यार करती है। तभी वो माइक लेकर बोलती है, जेठानी जी आप इतनी दूर क्यों खड़ी हो, ये बच्चे आपके ही हैं, आप पूरे हक के साथ यहाँ आकर इन्हें प्यार कर सकती हो। अगर आज भी पीछे रह गई तो फिर कभी इनके करीब नहीं आ पाओगी। कायरा की ये बात सुनकर परिणीता फौरन स्टेज पर पहुंच जाती है और अपने दोनों बच्चों को बहुत प्यार करती है और साथ ही साथ कायरा से माफी भी मांगती है। माफ कर दो, तुम्हारी गरीबी और तुम्हारे कालेपन की वजह से मैंने हमेशा तुम्हारी बेइज्जती की, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो हुआ उसे भूल जाओ और अपने बेटे और अपनी बेटी के साथ एक नई शुरुआत करो। कायरा का इतना अच्छा बर्ताव देखकर उस दिन से उसकी अमीर जेठानी और उसकी सास का बर्ताव बदल जाता है, जिसके बाद परिणीता अपना सारा समय अपने दोनों बच्चों को देने लगती है और अपनी काली देवरानी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। शाम ढल गई है, जल्दी से ज्योत जला देती हूँ। संगीता जल्दी से घर के मंदिर में ज्योति जलाकर पूरे घर में आरती दिखाने लगती है। तभी दरवाजे से उसका पति दीपक एक गोरी चिट्टी लड़की के साथ अंदर चला आता है। अजी आपके साथ ये लड़की कौन है? हेलो मेरी काली सौतन, मैं दीपक की नई पत्नी हूँ। अपने सामने खड़ी अपनी सौतन को देखकर बेचारी बहू के हाथों से आरती की थाली छूट जाती है और संगीता की आंखों में आंसू भर आते हैं और वो दीपक के पास जाकर पूछती है, दीपक जी आप मेरे साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी नहीं कर सकते, मैं आपकी पत्नी हूँ। दूर हटो मुझसे, तुम मेरी पत्नी नहीं बल्कि मुसीबत हो। मैं तुम जैसी काली बीवी को अब और नहीं झेल सकता। मुझे हमेशा से गोरी और खूबसूरत बीवी की ख्वाहिश थी, मगर बदकिस्मती से तुम जैसी काली कलूटी लड़की को बीवी बनाना पड़ा और फिर मुझे अहाना मिली और देखो आज वो मेरी पत्नी है। घर में हो रहे शोरगुल को सुनकर कौशल्या अपने कमरे से निकलकर मुन्ना को लिए बाहर आती है। संगीता बहू तू रो क्यों रही है, और दीपक कौन है ये बेशरम लड़की? ओह गॉड दीपक डार्लिंग, तुम्हारी माँ और बीवी कितने ड्रामेबाज हैं। दीपक कौन है ये लड़की और ये हमारे घर के मामले में बोलने वाली होती कौन है? माँ ये मेरी पत्नी अहाना और आपकी बहू है। दीपक तूने दूसरी शादी कर ली, एक बार भी संगीता बहू और अपने बच्चे के बारे में नहीं सोचा, तू ऐसा कैसे कर सकता है? ये फालतू की बकबक सुनकर मेरा सर फटा जा रहा है। दीपक डार्लिंग लेट्स गो। दीपक और अहाना कमरे में चले जाते हैं। वहीं बेचारी काली बहू फूट फूट कर रोती हुए अपनी सास कौशल्या से कहती है, माँ जी मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, दीपक जी मेरी सौतन कैसे ला सकते हैं, सारा कसूर मेरे काले रंग का है, अगर मैं सुंदर होती तो शायद मेरे पति कभी मेरी गोरी सौतन नहीं लाते।
संगीता और दीपक की शादी को 3 साल बीत चुके थे। संगीता का पहला बच्चा 2 साल का था और इस बार वो दूसरी बार गर्भवती है। ऐसे में सौतन बनकर आई अहाना ने संगीता से उसका पति छीनकर उसकी खुशियों भरे संसार में आग लगा दी। अगली सुबह गोरी सौतन किचन में आकर संगीता को चिढ़ाती हुई कहती है, मेरी काली सौतन, जल्दी से मेरे लिए कॉफी बना दो। कल रात के कारण मैं बहुत ज्यादा थक गई थी, बट यू नो वॉट, कल की रात बहुत अच्छी थी। तुम्हारा दीपक है बहुत रोमांटिक। ये सुनकर संगीता के टूटे हुए मन का दर्द आंसू बनकर आंखों से छलक गया, क्योंकि एक सुहागन के लिए अपनी सौतन से सिंदूर बांटना सबसे मुश्किल होता है। ऐसे ही दिन ढलते गए। तभी एक दिन संगीता का बेटा मुन्ना झूले से गिरने वाला था कि दीपक ने भागकर उसे बचा लिया। संगीता बहू, तूने देखा दीपक ने मुन्ने को कैसे बचाया? पता है चाहे रिश्तों में कितनी ही खटास क्यों ना हो, खून खून को ही पुकारता है। बच्चा पति पत्नी के बीच आए हर गलतफहमी और गुस्से को मिटाकर उन्हें फिर से एक कर देता है। कौशल्या की ये बात गोरी सौतन सुनकर गुस्से से दांत पीसते हुए कहती है, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। दीपक सिर्फ मेरा है, मैं किसी भी कीमत पर उसे इस नजर बट्टू का नहीं होने दूंगी। फिर चाहे इस रिश्ते को तोड़ने के लिए मुझे इस घर के 2 टुकड़े ही क्यों ना करने पड़े। रात को दीपक जब दफ्तर से घर आता है तो अहाना कौशल्या से घर के बंटवारे की बात कहती है। क्या तुझे घर का बंटवारा चाहिए? अरे मेरा बेटा छीन कर तेरा जी नहीं भरा क्या, जो अब तू बेशरम के जैसे बंटवारा मांग रही है? अगर अपना हिस्सा मांगना बेशर्मी है तो ठीक है, आई एम बेशरम, बट आई वॉन्ट बंटवारा, बिकॉज मैं अपनी इस काली सौतन की शक्ल नहीं देखना चाहती और नहीं चाहती कि ये मेरे पति के आस पास भी भटके। अपनी गोरी घमंडी बहू की जिद के कारण सास वकील बुलाकर ससुराल का बंटवारा नामा बनवाती है। तभी अहाना धीरे से उसे 50,000 रुपए देकर कहती है, ये रखो और बंटवारे के ऐसे पेपर बनाओ जिसमें ससुराल का अच्छा और ज्यादा हिस्सा मेरे नाम हो जाए। आपका काम हो जाएगा। इस तरह गोरी सौतन ने पैसे के बलबूते वकील के खुददारी को खरीद लिया और वकील ने वैसे ही पेपर बनाए। बंटवारे में ससुराल के आधे से ज्यादा हिस्सा गोरी सौतन के हक में आ जाता है, जिसमें चमचमाती टाइल्स के बड़े हॉल और आलीशान कमरे होते हैं। वहीं काली बहू को बंटवारे में ससुराल के पीछे की कच्ची जगह मिलती है, जहाँ कच्ची ईंट का टीन वाला एक कमरा होता है। वहाँ बहुत ही ज्यादा धूल मिट्टी जमी होती है। आ संगीता बहू, हम यहाँ कैसे रहेंगे? माँ जी आप चिंता मत कीजिए, मैं इस जगह को अभी साफ कर देती हूँ। संगीता जल्दी से उस जगह को साफ सुथरा करके उसे रहने लायक बना देती है और अपनी सास के लिए मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाती है। चूल्हा फूकने के कारण उसके पेट में खिंचाव होने के साथ बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है। माँ जी मेरे पेट में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। बहू तुझे 8वां महीना लगने को है, ऐसे में ज्यादा देर तक तेरा ऐसे बैठना ठीक नहीं है, और मुन्ना भी कब से तेरी गोदी में आने के लिए रो रहा है, इसे ले ले। संगीता को आराम करने के लिए कहकर कौशल्या रोटियां बनाने लगती है, तो वहीं दूसरी तरफ दीपक अपनी गोरी पत्नी से कहता है, आहाना इतना वक्त हो गया मुझे, बहुत जोरों की भूख लगी है, जाओ जल्दी से मेरे लिए खाना बना ले आओ। दीपक तुम पागल हो गए हो क्या, मैं और खाना बनाऊं? नो वे, अरे भरी गर्मी में खाना बनाकर मुझे अपना गोरा चिट्टा रंग डल नहीं करना, समझे? अगर तुम्हें भूख लगी है तो जाओ खुद से बनाकर खा लो। ऐसा कहकर आहाना नेल पॉलिश लगाने लगती है। वहीं दीपक बिना खाना खाए सो जाता है, मगर आधी रात भूख के कारण उसकी नींद टूट जाती है, तो वहीं संगीता को भी नींद नहीं आ रही होती। जैसे ही वो दीपक को घर के बाहर बैठा देखती है तो दीपक को अपने घर बुलाकर कहती है, आइए दीपक जी, मैं जानती हूँ कि आहाना ने खाना नहीं बनाया, ये लीजिए खाना खा लीजिए। संगीता अपने हिस्से का खाना अपने पति के आगे परोस देती है और दीपक खाना खाकर अपनी दूसरी पत्नी आहाना के पास चला आता है। तभी सीढ़ियों से लगकर खड़ी गोरी घमंडी आहाना दीपक को ताने मारती हुई कहती है, आ गए काली बीवी से मिलकर? आई नो दैट दीपक, तुम वहीं जाओगे, तुम मर्द होते ही ऐसे हो। दीपक बिना कुछ बोले सो जाता है। ढलते दिनों के साथ मन मिजाजी गोरी सौतन हर दिन छोटे कपड़े पहनकर पब जाती और महंगी शराब पीती और लड़कों के साथ नाचती, तो वहीं गरीब गर्भवती काली बहू रूखा सूखा खाकर गरीबी में अपने दिन गुजारती,
वहीं गोरी बहू एसी की ठंडी ठंडी हवा में मजे से रहती तो दूसरी तरफ बदकिस्मत काली बहू कड़ी धूप में जंगल से लकड़ी काट कर उन्हें सर पर ढोकर लाती। एक दिन, इतनी रात हो गई, आहाना अब तक घर नहीं आई, उसका फोन भी स्विच ऑफ जा रहा है, पता नहीं कहाँ है, मुझे उसे ढूंढना चाहिए। दीपक आहाना को ढूंढने जा ही रहा होता है कि तभी आहाना नशे में लड़खड़ाती हुई दो आवारा लड़कों सैंडी और रॉकी की बाहों में झूमती हुई घर आती है। किसी गैर की बाहों में आहाना को देखकर दीपक गुस्से में कहता है, मैं कहता हूँ छोड़ो मेरी पत्नी को, दूर हटो। रिलैक्स रिलैक्स मैन, हमें कोई शौक नहीं तुम्हारी पत्नी को छूने का, वो खुद ही हमारे गले पड़ती है, हमें फोन करके पब में बुलाती है, हमारी बाहों में बाहें डालकर डांस करती है और टल्ली होकर टच मी सॉन्ग गाती है। अब ऐसे में मर्दों का मिजाज तो बनेगा ही। हाँ वेल, तुम्हारी बेबी को बाउंसर लड़कों को बॉयफ्रेंड बनाने का बहुत शौक है, पब में इसके सैकड़ों आशिक है। ये कहकर सैंडी और रॉकी वहां से चले जाते हैं और दीपक को ये सब जानकर अपने किए पर बहुत दुख होता है। दीपक अपनी माँ और बीवी को अपने घर वापस ले आता है। अगली सुबह जब आहाना की आँख खुलती है तो वो संगीता और अपनी सास को अपने घर में देखकर गुस्से में कहती है, दीपक दीपक, ये दोनों हमारे घर में क्या कर रही हैं? इन्हें यहाँ से जाने को कहो। जाओगी तो तुम यहाँ से आहाना, तुमने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। तुमसे शादी करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। संगीता मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें हमेशा तुम्हारे काले रंग के लिए कोसता रहा, यहाँ तक कि जिस वक्त मुझे तुम्हारे साथ रहना चाहिए था मैंने तुम्हें प्रेगनेंसी के उस वक्त तुम्हें अकेला छोड़ दिया था। मैं हमेशा यही समझता था कि सुंदरता ही सब कुछ होती है, मगर मैं गलत था। जाओ आहाना, तुम आजाद हो, अब तुम अपनी जिंदगी खुलकर जी सकती हो। फाइन, वैसे भी मेरा तुमसे मन भर गया है, तुम जैसे फटीचर के साथ अब मुझे रहना भी नहीं, गुड बाय। इस तरह सौतन बनकर आई घमंडी आहाना संगीता और दीपक की जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाती है। उस दिन के बाद से दीपक अपनी जिम्मेदारियों को निभाता है और आखिरकार संगीता को अपने हिस्से की खुशियां मिल जाती हैं। अंजना के दो बेटे थे, बड़ा बेटा लोकेश, छोटा बेटा रणवीर। बड़ा बेटा ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, इसीलिए वह एक फैक्ट्री में सामान ढोने का काम करता था, जिससे उसे गिने चुने पैसे मिलते थे, उससे ही घर का खर्चा चलाता था। कुछ समय बाद उसकी शादी काजल नाम की एक गरीब परिवार की लड़की से हो जाती, जो कि बहुत ही सुंदर और सुशील थी। बहुत कम वक्त में उसने अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारी संभाल ली थी। वहीं छोटा बेटा रणवीर पढ़ लिख कर प्राइवेट कंपनी में काम करता है। एक शाम सब साथ बैठकर खाना खा रहे थे, तभी अंजना कहती है, काजल बहू, जरा सिलबट्टे वाली चटनी तो दे दे। जी माँ जी। अरे भाभी, आपने लहसुन वाली चटनी बनाई है क्या? जरा मुझे भी दीजिए, मेरी तो पसंदीदा है। हाँ देवर जी, लीजिए लीजिए। अरे रणवीर बेटा, जरा मुझे पैसे दे दे, चश्मा बनवाना है, चश्मा टूट गया है। माँ, अभी मेरे पास पैसे नहीं है और सैलरी अभी आई नहीं है, आप भैया से मांग लीजिए। अरे बेटा, इस पर तो खुद नहीं है, इसलिए मैंने लोकेश को नहीं बोला। राशन भी कहाँ लाया, राशन खत्म होने को आया है। अरे रणवीर, मैं तो माँ को दे देता, पर सेठ जी मुझे अभी पैसे नहीं दे रहे, और तू जानता है मैं तुझसे कम कमाता हूँ, तेरे पास तो होने चाहिए थे, कम से कम तुझे एक दिन मिल जाते हैं। यहाँ सेठ जी पैसे देने में कभी 10 दिन लगाते हैं, कभी 15 दिन। अरे ओ भैया, ये आपका प्रॉब्लम है ना, आप डील करो उनसे, मुझे क्या बता रहे हो, वैसे भी घर का खर्चा क्या हमेशा मैं ही देखूं? अरे नहीं नहीं रणवीर, मेरे कहने का ये मतलब नहीं है। भाभी मैंने खाना खा लिया, मैं सोने जा रहा हूँ। अरे बेटा रुक, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। बहुत समय हो गया, अब तू शादी कब करेगा? मैंने तेरे लिए पंडित जी से कहकर एक लड़की भी ढूंढ ली है। क्या माँ, अगर ढूंढ ली है तो प्लीज आप मना कर दीजिए, क्योंकि मैं उससे शादी नहीं करूंगा। मैंने आपके लिए बहुत पहले ही बहू देख ली है, उसका नाम सेनोरिटा है और वो अंग्रेजन है। क्या देवर जी, वो अंग्रेज की औलाद है? मेरा मतलब अंग्रेजन है। अरे वाह माँ जी, सुना आपने, देवर जी फिरंगी देवरानी लाएंगे हमारे घर, आसपास के मोहल्ले वाले तो देखते ही रह जाएंगे। हैं सच्ची, बेटा ला फोटो तो दिखा। ये सुनकर रणवीर अपनी माँ को सेनोरिटा की फोटो दिखाता है। देखते ही घर वाले शादी के लिए मान जाते। अगले हफ्ते ही रणवीर और सेनोरिटा की शादी धूमधाम से हो जाती है। तभी गृह प्रवेश के समय अंजना कहती है, बहू अब अपने दाएं पैर से इस कलश को गिरा दो। व्हाट रणवीर, क्या करना है मुझे? अरे जस्ट किक देम इन कलश। ओह मैं अभी करती हूँ। ये बोलकर सेनोरिटा बहू कलश में पैर मारती है कि कलश उड़ता हुआ सास के माथे पर लग जाता है और सास गिर पड़ती है। हाय मोरी मैया,
फोड़ दिया मेरा सर। अरे रणवीर, ये तू कैसी बहू लाया है? अंग्रेजन है ये फुटबॉल खेलने वाली। ओहो सेनोरेटा, ये तुमने क्या कर दिया? जस्ट से सॉरी। सॉरी माँ जी, सॉरी, मुझसे गलती से हो गया। कोई बात नहीं बहू, चाह तू जाकर आराम कर। सब आराम करो और मुझे भी आराम करने के लिए कमरे में ले जाओ। माँ जी, मैं आपके दवाई लगा देती हूँ। ये कहकर जेठानी अंजना को कमरे में ले जाकर दवाई लगा देती है। अगले दिन अंजना अंग्रेजन बहू को घर के काम करने को कहती है, मगर उसे पहली रसोई का खाना बनाना भी नहीं आता। ये सुनकर अंजना बोलती है, ये भगवान, अगर तुझे ये भी नहीं आता तो तू क्या करेगी? ऐसा कर, बड़ी बहू से काम करना सीख, देख वो कैसे खाना बनाती है, कैसे घर की सफाई करती है। व्हाट, मैं इस गरीब जेठानी से काम करना सीखूं? वाह माँ जी, देखिए तो कि ये कितनी फटीचर है गरीब कहीं की। इससे अच्छा मैं एक नौकरानी रख लूंगी, वो भी कम से कम इस तरीके के कपड़े नहीं पहनेगी, और मुझे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास बहुत पैसा है। बहू, पैसे का घमंड इतना भी अच्छा नहीं होता। कोई बात नहीं माँ जी। वक्त गुजरता है, अंग्रेजन घमंडी देवरानी घर का कोई काम नहीं करती थी और अपने पैसों का रौब दिखाकर हमेशा बेचारे जेठ जेठानी को नीचा दिखाती थी। रणवीर भी अब सेनोरिटा की बातों में आकर पैसों का घमंडी बन गया था। घर में पैसों की तंगी होती है, लोकेश अपने भाई से पैसे मांगता है तो लोकेश को पराया कर रणवीर कहता है, बस कीजिए भैया, अपने छोटे भाई से पैसे मांगने में आपको शर्म नहीं आती? और अब तो मेरा भी परिवार है, मैं कब तक यूं ही मदद करता रहूंगा? मेरे पास कोई पैसा नहीं है, और माँ, हम दोनों आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। क्या बात है बच्चों, बताओ। यही कि माँ जी, हमें अपना हिस्सा चाहिए, हमें इस घर का बंटवारा करना है ताकि आराम से हम रह सके। हम अपने खर्चे खुद अकेले उठाएंगे और आपका खर्चा आपके बड़े बहू बेटे। ये तुम क्या कह रही हो बहू, तुम्हारे ससुर जी ने कभी नहीं चाहा कि इस घर का बंटवारा हो। ऐसा मत करो, तुम दो भाइयों को अलग कर रही हो। माँ जी, इसमें अलग रखने वाली कोई बात नहीं है, हमें हमारा हिस्सा चाहिए। कुडन नखाष्टा, कल आपको कुछ हुआ और जेठ जेठानी ने हिस्सा देने से मना कर दिया तो? वैसे भी ये भिखारी हैं, अगर आपने नहीं दिया तो हमेशा के लिए हम दोनों अमेरिका चले जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, तुम कहीं मत जाओ, मैं बंटवारा कर देती हूँ। यह हुई ना बात। अपनी अंग्रेजन बहू की बात सुन अंजना घर का बंटवारा कर देती है, जिसमें अंग्रेजन बहू घर को एक सफेद लकीर से दो हिस्सों में बांट कर कहती है, माँ जी, जेठानी जी, मैंने लकीर खींच दी है। इस तरफ के दो रूम हमारे हैं, बैठक हमारी है, और वो किचन रूम और मेन गेट वाला साइड आपकी तरफ है। मुझे नहीं पता था मेरी आंखों के सामने इस घर के दो हिस्से हो जाएंगे। माँ जी हिम्मत रखिए, कोई बात नहीं। घर के दो हिस्से हो जाने पर लोकेश, काजल, अंजना परेशान थे, लेकिन वह दोनों हंसी खुशी से रह रहे थे। एक सुबह दूध वाला दूध देने आता है तो सेनोरिटा कहती है, अरे लाइन के इस तरफ आओ, ये मेरी जगह है, इस तरफ मत जाना। तभी दूध वाला दूध देकर चला जाता है। कुछ देर बाद जब सास खाना खाती है, उसे मिर्ची लग जाती है। उस समय काजल घर पर नहीं थी तो अंजना कहती है, अरे मेरी छोटी बहू, मुझे पानी चाहिए, जरा पानी दे। सॉरी माँ जी, घर का बंटवारा हो गया है, मैं उस पार नहीं आ सकती हूँ, ना आपको आना है, भले ही मुझे कुछ क्यों ना हो जाए। इतने में काजल बहू आकर जल्दी से पानी पिलाती है। माँ जी, आप ठीक तो हैं? हाँ बहू, मैं ठीक हूँ, पर घर का बंटवारा हो जाना किसी श्राप से कम नहीं है। अब माँ जी, मुझे वहां से टाना मत मारिए। दो दिन गुजरते हैं, अंग्रेजन बहू की तबीयत खराब थी, कमजोरी में वो सीढ़ियों से उतरती है कि गिर पड़ती है और रोने लगती है। आह रणवीर, आह माँ जी, मेरे सिर से खून आ रहा है। माँ जी देवरानी जी के लग गई है, उनके सिर से खून आ रहा है, जल्दी से उन्हें डॉक्टर के पास लेकर चलिए। कैसे लेकर जाएं बहू, उसके लिए तो हमें उस लकीर को पार करना होगा जो कि बहू ने आने से खुद मना किया है। माँ जी आप कुछ भी कहें, मैं देवरानी जी को डॉक्टर के पास लेकर जा रही हूँ। अंग्रेजन बहू बेहोश हो जाती है। इतने में काजल लकीर को पार कर उसे हॉस्पिटल ले जाती है, जहाँ घर के सभी लोग हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। डॉक्टर उसके पट्टी वगैरह कर देता है। सास और जेठानी अंग्रेजन बहू से मिलने जाते हैं तो आंखों में पछतावे के आंसू लिए सेनोरिटा बहू कहती है, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, आज मुझे मेरा सबक मिल गया है। मैं घर को तोड़ने अलग करने चली थी, मैंने बंटवारा कर आपको लकीर के इस पार आने के लिए मना किया था, लेकिन इसके बाद भी जेठानी जी ने बिना किसी चीज की परवाह किए मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया और मैंने न जाने उनसे क्या क्या कह डाला। काजल दीदी मुझे माफ कर दीजिए। मुझे भी भैया भाभी आप दोनों माफ कर दीजिए, पैसों के घमंड के कारण मैं आपसे बड़ा बनने की कोशिश करने लगा और बंटवारा भी करवा दिया। अगर आज आप नहीं होते तो मेरी पत्नी को कौन देखता?
कोई बात नहीं, आप दोनों को मैंने माफ किया। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि हमेशा बड़ों की छत्र छाया में बिना बंटवारे के परिवार के साथ रहो, क्योंकि वह हमेशा मुश्किलों में साथ रहते हैं। बिल्कुल ठीक कहा बहू ने। इस तरह अंग्रेजन बहू और रणवीर को बंटवारा करने के बाद अपनी गलती का एहसास हो जाता है, जिसके बाद फिर से पूरा परिवार एक साथ खुशी खुशी रहने लगता है।